नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी दोस्त फूल कुमारी। बच्चों, आप सब ये जानते हैं कि माँ सरस्वती विद्या की देवी होती हैं, इसलिए हम सब बच्चे उनका सदैव वंदन कर उनसे सद्बुद्धि और ज्ञान देने की प्रार्थना करते हैं। और ये कार्य हम कैसे करते हैं? बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं आप, मंत्र बोलकर, देवी का नमन कर। आओ हम सब साथ मिलकर देवी सरस्वती का स्मरण करें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, सा मां पातु सरस्वती भगवती, निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। बच्चों, क्या आप इस मंत्र का हिंदी में अर्थ भी जानते हैं? मैं बताती हूँ, ये मंत्र कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, आप जो कुंद पुष्प यानी मोगरे के फूलों की तरह, चंद्रमा और बर्फीले पहाड़ों से निकलती किरणों की तरह उजली आभा लिए हुए, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथों में वीणा और वर देने से युक्त स्फटिक माला शोभायमान है, और आप श्वेत कमल पर आसीन हैं, आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश एवं समस्त देवताओं द्वारा सदैव पूजनीय हैं, हे माँ, आप हमारी समस्त जड़ता व अज्ञानता दूर कर हमारी रक्षा करें। बच्चों, आज जब आप इस मंत्र का अर्थ जान चुके हैं, तो मन में ठानिए कि आप सब रोज इसे दोहराएंगे। माँ सरस्वती की स्तुति तो त्रिदेव भी करते हैं, आप भी माँ की नियमित स्तुति कर अपनी बुद्धि और मेधा बढ़ा सकते हैं। आज के मंत्र के बारे में बस इतना ही। इसी के साथ मैं फूल कुमारी आपसे लेती हूँ विदा। जय माँ सरस्वती, जय माँ भारती।